अब हौसला अफजाई करने वाले लोग तो हैं, जैसे ये कल का प्रोग्राम है, इन्होंने हौसला अफजाई की, लेकिन उसका फायदा लेगा कौन? वो लेने वाले जागना बहुत जरूरी है। और इन प्रोग्रामों का जो कल जैसे हुए या होते हैं ऐसे, उसका मकसद भी यही होता है कि लोग जागे। ये सोचना कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत गलत बात। कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए वक्त का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। जो वक्त गंवाते जाएगा उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। और इसीलिए मैंने बताया कि ये जो 190 दिन का सफर यहाँ से शुरू हो रहा है, कि यहाँ से आपको ज्यादा उनसे ज्यादा तेजी से काम शुरू करने की जरूरत है। कि मेरे इम्तिहान में आज से SSC बोर्ड के इम्तिहान में 190 दिन ही बचे हुए, और ये बोर्ड का इम्तिहान है। मैं यही चाहता हूँ कि आप उस दिन फख्र से अपना सर उठा कर चले कि सर मैंने लाया है, जो भी है देखो सर ये 70 लाया, देखो सर आपने ही जगाया था मुझको, मेरे टीचर ने जगाया था, मैंने 75 लाया, सर मेरा 65 ही आया है, लेकिन ये बहुत मेहनत किया था मैंने, सच्चे दिल से किया हूँ सर, आपने जगा दिए थे, मैं जाग गया और पढ़ता रहा था सर, मैं कमजोर था, लेकिन देखो सर मैंने लाया 70%। ये जो एहसास है वो आपको जो खुशी देगा, अल्लाह ताला कभी भी सच्चे दिल वालों को पीछे नहीं रखता है, उनको आगे बढ़ाता जाता है, क्योंकि अमाल के फैसले नियतों की बुनियाद पर, नियत कैसी थी, आपका मामला कैसा है कि आप यहाँ पर अगर कुछ अच्छा करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत को देख रहा है, वो बोलेगा, वो सोचेगा कि मेरा बंदा जो है वो इतनी मेहनत करता है तो क्यों मैं उसको मायूस करूँ। इतना छोटा सा बच्चा जिसने कुछ जिंदगी के ख्वाब देखे, देखो तकदीर जो है ना वो करना जरूरी है, जब तकदीर बनती है वो बोले कि मेरी तकदीर में नाकामी है, मेरी तकदीर में मायूसी है, मेरी तकदीर में 70% लिखा है, ये सब बोल के किसी को कुछ 70% मिला ना कुछ मिला, जिसने मेहनत की उसकी तकदीर अच्छी बनी, ये बहुत जरूरी है। और वो मेहनत करना बहुत जरूरी है। करोगे आप वो मेहनत? करोगे? कितने दिन बचे हुए आज से? अब कल इसमें से एक दिन कम होता जाएगा। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। खुशियां मनाने के, हंसी मजाक के, दोस्तों के साथ वक्त गुजारने के बहुत वक्त आने वाले हैं, लेकिन वो फख्र के साथ में आए ये आपके लिए बहुत जरूरी है। शर्मिंदगी के साथ में आए ये नहीं है। तो आप फख्र के साथ में उस वक्त को इंजॉय करें जो आपको बाद में मिलने वाला है। आज का वक्त किसका है? किताबों का, पढ़ाई का, सब्जेक्ट्स का, टीचर्स का, स्कूल का, और आपका अपना, जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में गुजारना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। Thank you.